और अब सीधा पंजाब से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को पुलिस हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब एक साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है, और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के मामले में यहां पर सजा सुनाई है नवजोत सिंह सिद्धू को, और पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए पहुंच गई है। एक साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई गई है। पटियाला में 27 दिसंबर 1988 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में यह सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटियाला में 27 दिसंबर 1988 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बदला है। पहले यहां पर महज कुछ रुपयों का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब पुनर्विचार याचिका डालने के बाद में पीड़ित परिवार की ओर से याचिका डाली गई थी। इसके बाद में अब नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, जिसके बाद पुलिस की टीम उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश बदला है और नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना आदेश, नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बदला है और एक साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल कैद की सजा मिली है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना पुराना आदेश और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को लगा है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा, जिसके बाद पुलिस टीम उन्हें हिरासत में लेने के लिए पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि 1988 के रोड रेज मामले में यह सजा नवजोत सिंह सिद्धू को मिली है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक व्यक्ति को यहां पर मुक्का मारा था सिर पर, और उस व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज के बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इसी मामले में आज नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। सिद्धू के हाथों पिटाई के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, और इसी मामले में अब नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जुर्माना लगाया था नवजोत सिंह सिद्धू पर, लेकिन अब एक साल की कैद की सजा है, जो नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस की टीम नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लेने के लिए पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाए जाने की बात सामने आई है। नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा हुई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना पुराना आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बदला है, नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। जी जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो कि तो जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसको देखते हुए तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, यानी अब मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। लेकिन विनोद जी, फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ मौजूद थे, क्या उनके घर से ही उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है? विनोद जी, आवाज आ रही है आप तक? तो विनोद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है और पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए पहुंच चुकी है, और पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पुराना बदला है और अब एक साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को हुई है।